हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉगर में जो अगर आप पोस्ट लिखते हैं तो उस पोस्ट में कभी कभी आपको क्या है कोई टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है और वो टेबल आप कैसे इंसर्ट करेंगे, इसके लिए आपको कोई वहां पे ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप टेबल इंसर्ट कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे आप टेबल उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, क्योंकि टेबल की हमें काफ़ी जगह आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो हमारा ब्लॉगर सीरीज का वीडियो है, ये पार्ट नंबर 10 है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 9 वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं ये सारे कार्य कैसे किए जाएंगे। तो लैपटॉप के स्क्रीन पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, आ जाते हैं। लैपटॉप के स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या है अपना ब्लॉगर पेज या अपनी साइट को ओपन कर लिया है। तो अभी ये मेरा ब्लॉगर है, इसमें मैं दिखाऊंगा कैसे टेबल इंसर्ट करना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ टेबल का एक ओवरव्यू। जैसे कि ये मैंने पोस्ट लिखा है क्लास 11th की फिजिक्स का सिलेबस, उसमें देखो मुझे क्या है टेबल की यहाँ पे क्या है रिक्वायरमेंट पड़ गई थी। तो ये टेबल की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे हमने बनाया है उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ पे आप जाएंगे, उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस इस प्रकार का ओपन हो जाएगा। इस नए इंटरफेस में क्या होता है, आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपको मिल जाता है HTML लेबल जनरेटर। यहाँ पे ये देखो टेबल है, सिंपल HTML टेबल जनरेटर। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, टेबल को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कलर में बात करें तो जैसे कि टेबल का कलर कैसा रहेगा वो आप वाइट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कैसा दिखेगा वो ब्लैक। जैसे यहाँ पे आप चाहो तो इनको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे काफ़ी कलर आ जाएंगे, जो आप कलर लेना चाहें वो ले सकते हैं। सभी में सेम यही है, बस जो कलर चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से कर सकते हैं। मैं ज़्यादा वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं सभी के कलर चेंज करना यहाँ पर नहीं दिखाऊँगा, आप जैसा चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर का है ऑप्शन, यहाँ पर आप चाहें तो बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं। तो बॉर्डर का कलर जैसे यहाँ पे है आप अपनी इच्छानुसार चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हेडर के हेडिंग जो होगी, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, स्ट्रिप टेबल क्या होगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ये रो और कॉलम का आपको ऑप्शन मिल जाता है, रो का मतलब इधर को, कॉलम का मतलब नीचे। तो जैसे मैं यहाँ पर रो, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, सिंपल से 7 टाइप कर देता हूं। जैसे मैंने 7 टाइप किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है 7 टेबल इधर को बन गए हैं और कॉलम इधर को 3 रहेंगे। तो ये टेबल आपकी बन गई। ध्यान रखना कि एक बार पहले जितने टेबल आपको बनानी हो पहले टेबल के काउंट कर लेना कि कितनी उसमें रो हैं, कितने उसमें क्या है आपके कॉलम हैं। क्योंकि अगर आपने मान लिया यहाँ पे टेबल को एडिट कर लिया और आपको एक अगर कॉलम की आवश्यकता कम पड़ी तो बाद में आप इसमें इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, पूरा क्या होगा पुनः आपको टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सिंपल सा यही होता है कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये टेबल हो गई, अब ये क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये टेबल का ओवरव्यू इस प्रकार से दिखेगा। मोबाइल का ये ओवरव्यू है, लैपटॉप का ये है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो एडिट करना है। जैसे ये हेडिंग 1 को मैं क्या कर देता हूँ, मान लिया वो जो होता है क्रम नंबर SN लिख देता हूँ यहाँ पे, तो S.N लिख देते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको क्या कर देते हैं नेम दे देते हैं कि हमारे क्या इसमें रहेगा नेम, और यहाँ पे क्या कर देते हैं उसके लिए जो है मार्क लिख देते हैं, कितने मार्क के हम टेबल जो अभी वहाँ पे दिखाया था वही टेबल बनाने वाले हैं, इसलिए इसका हम यहाँ पे नाम दे देते हैं मार्क। वैसे ये चीज़ें आप वहाँ पर भी एडिट कर सकते हैं जब टेबल इंसर्ट कर लेंगे। ये करने के बाद अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लिख दिए मान लें नंबर 1, 2, यहाँ पर आप नंबरिंग, इसमें मैंने सीरियल नंबर लिखा है तो इसमें आप नंबरिंग यहाँ पे कर दीजिए सभी के। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम नंबरिंग यहाँ पे कर देते हैं और 6, इसके बाद 7, ये नंबरिंग मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी के नेम, तो वो मैं अगर लिखूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको क्या सिंपल ऐसे ही रख लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको एक कोड मिलता है, इसके अंदर आपको माउस से कहीं पर एक बार क्लिक कर देना है इसे और कंट्रोल ए दबा देना है। कंट्रोल ए से क्या है पूरा ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हम आ जाते हैं ब्लॉगर पोस्ट में, यहाँ पे क्या करते हैं एक न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही न्यू पोस्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं, एक क्या है यहाँ पे हमें न्यू पोस्ट क्रिएट आ जाएगी। इस न्यू पोस्ट का हम लिख देते हैं टेबल क्रिएट, टाइटल क्या देते हैं टेबल क्रिएट डेमो, ठीक है। तो
ये मैं डेमो ले रहा हूँ, इसलिए इसको टेबल के लिए डेमो मैंने नाम दे दिया। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो ये जब टेबल कभी भी इंसर्ट करना है तो आपको सिंपल से यहाँ पे जाना है, HTML व्यू पे जाना पड़ेगा। HTML व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको वो कोड क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। फिर इसके बाद पुनः कंपोज व्यू पे अगर आप कर लेंगे, जैसे ही कंपोज व्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको इस प्रकार की टेबल यहाँ पे क्या है वो दिखाई देगी। अब यहाँ पे ये जब इस प्रकार से टेबल दिखाई देती है, तो यहाँ पे आप भी चाहें तो अभी चेंजेस कर सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा प्रीव्यू के ऊपर बात करें कि टेबल हमें कैसे दिखाई देगी। तो प्रीव्यू के ऊपर आप वैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने क्या है, इसका प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। ये देखो प्रीव्यू आ चुका है, इस प्रकार से क्या है आपको ये टेबल दिखाई देगी। अब यहाँ पे चेंजेस करने की बात करें, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने पोस्ट के अंदर, यहाँ पे जैसे ये मैंने इसका जो है नाम वन नहीं दिया था, तो यहाँ पे इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको सिंपल से जाते हैं और इसका नाम क्या कर देते हैं, सेवन कर देते हैं। ये देखो आप चाहो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो कुछ चीज़ों को। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं और इसके अंदर कुछ चीज़ें पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो टेबल है, पहले क्वांटिटी जो दिख रही थी, इसके ऊपर करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अपनी पोस्ट को पुनः एक बार ओपन कर लेते हैं। उसके अंदर आपको फिल करके भी दिखाएंगे कि कैसे आप जो है इसके अंदर एडिट चीज़ों को करते हैं। तो यहाँ पे क्लास 11th का सिलेबस था, उसी में ये टेबल बनी थी। तो यहाँ पर टेबल वहाँ आ जाते हैं। देखो ये क्या है, भौतिक मापन है, कंट्रोल सी से करते हैं। और यहाँ पर क्या है, पहली वाली जो पहली रो है, इसमें कंट्रोल वी से आप भौतिक मापन कर दीजिए। दूसरे में आ जाइए, यहाँ पे कितने मार्क का है, दो अंक का है, तो यहाँ पे आपको जाना है, इसमें लिख देना है दो अंक का। यहाँ पे कंट्रोल भी सिंपल से यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि काफ़ी लोग कहते हैं कि आप यहाँ पे एडिट नहीं कर सकते, आप सिंपल एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या कर देना है, दूसरे में जैसे शुद्ध गति की है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। और ये कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। गति के नियम को यहाँ से कॉपी कर लेना है, और ये कितने नंबर का है आप देख सकते हैं, सॉरी बैक कर देते हैं, ये जो है यहाँ पे 7 नंबर का आपको मिल जाता है, इसको भी कॉपी कर लेना है। यहाँ पे चले जाना है, तो दूसरे वाले में चले जाते हैं। ये था हमारा शुद्ध गतिकी, तो शुद्ध गतिकी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इसके आगे जो है कितने नंबर का था वो पेस्ट कर देते हैं, तो ये 6 नंबर का था अभी हमने देखा था, तो यहाँ पे 6 नंबर कर देते हैं। इसी के बाद यहाँ पे आता है रो, ये होता है हमारा गति के नियम के लिए, और सॉरी गति के नियम जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं, बैक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपको क्या है, गति के नियम, इसी प्रकार से क्या सब चीज़ों को टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अपडेट है, तो मैं पुनः प्रीव्यू के ऊपर एक बार क्लिक कर देता हूँ। प्रीव्यू के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपके सामने क्या है, वो टेबल एडिट होके आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो भौतिक तथा मापन आ चुका है, 2 अंक का है, शुद्ध गति की है, ये 6 अंक का है, इस प्रकार से बन जाती है टेबल। तो ऐसे टेबल को आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, जब टेबल बनाए तो यहीं पे सारी चीज़ों को अच्छे से क्या कर लीजिए, एडिट कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे पहला हमारा था भौतिक जगत था, इसके बाद ये कितने नंबर का था, ये जो है 2 नंबर में पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, सिंपल सा शुद्ध गतिकी था, शुद्ध गतिकी को आपको यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। और ये कितने नंबर का था, आपको मिल जाता है 6 नंबर का। फिर इसके बाद आपको आता है गति का नियम, गति का नियम कितने नंबर का मिलता था, ये आपको 7 नंबर का। इस कोड को यहाँ से अगर आप पुनः कंट्रोल से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, HTML व्यू पे चले जाते हैं। HTML व्यू में सबसे नीचे आएंगे, क्योंकि हम नीचे टेबल इसको पुनः पेस्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल वी कर देना है और कंपोज व्यू के ऊपर चले जाना है। यहाँ से पुनः देखो ये मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं क्या है, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो प्रीव्यू के ऊपर हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि अब हमारी टेबल कैसी शो हो रही। तो ये देखो नीचे की टेबल ऊपर की टेबल में थोड़ा सा अंतर है, नीचे की अच्छी टेबल बनी है। तो इस प्रकार से आप टेबल को वहीं पे बना लीजिए, लेकिन मान लीजिए अगर कोई थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो टेबल को आप यहाँ एडिट भी कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप टेबल को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और जो ये लिंक है जहाँ से मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके इस पे कार्य कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।